नोवल कोरोना वायरस से अब तक विश्व में 1,28,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और इस वायरस से होने वाली बीमारी कोविड-19 के कारण करीब 5,55,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी वायरस के करीब 7 महीने लंबे प्रकोप के बाद रूस ने यह दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। एक रूसी समाचार एजेंसी के मुताबिक इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर वादिम तारासोव ने कहा कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मास्को स्थित सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी सेचेनोव ने ये ट्रायल किए और पाया कि वैक्सीन इंसानों पर सुरक्षित है। जिन लोगों पर वैक्सीन आजमाई गई है उनके एक समूह को 15 जुलाई और दूसरे समूह को 20 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। यूनिवर्सिटी ने 18 जून को रूस के गेमली इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा निर्मित इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए थे। सेचेनोव यूनिवर्सिटी के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी अलेक्जेंडर लुकाशेव ने बताया कि वैक्सीन ट्रायल के इस चरण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि वैक्सीन इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। हमने पाया कि वैक्सीन सुरक्षित है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में अब तक 70,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसे देखते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिक और हेल्थ केयर से जुड़े अन्य संस्थान कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वैक्सीन के उत्पादन और उसके डेवलपमेंट को जल्द से जल्द पूरा करने की तमाम कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, समय भारत।